वाला भी। इंदौर फेमस पिज्जा पार्टी बनाने के लिए कैप्सिकम लिए, तीनों तरह की स्वीट कॉर्न लिया है, ऑलिव्स लिए, चिली फ्लेक्स, मोजरेला चीज, ऑरिगेनो, पनीर चीज लिया है अमूल का, और प्याज ऑप्शनल है। बाटी का डो बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा ज्यादा ही डालिएगा वैसे। इसे मिक्स करेंगे अच्छे से एंड देन अब घी डालेंगे। आप तेल भी यूज कर सकते हैं, डो बना रहे हैं तो आप घी नहीं पानी डालिए, पहले थोड़ा डालिए देन अब आप डो बनाइए। इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे, तब तक फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। प्रोसेस चीज को ले रहे हैं सबसे पहले, इसे घिसेंगे। 100 ग्राम के करीब प्रोसेस चीज डाला है, मोजरेला चीज भी इसी क्वांटिटी में डालेंगे सेम। येलो कैप्सिकम आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं, रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, कॉर्न, पनीर, प्याज ऑप्शनल है, अगर आप चेन बनाना चाहते हैं तो आप प्याज पर डालिएगा, नमक स्वाद अनुसार, ऑरिगेनो 1 चम्मच, चिली फ्लेक्स 2 चम्मच, पिज्जा सॉस ये भी होममेड है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, करीबन 3 चम्मच। ओवन को प्री हीट पे रखा है, इसके आप इस तरह से बॉल बना लीजिए अच्छे से। अब इसे प्रेस करके आपको बिल्कुल रोटी की तरह बनाना है। अब इसमें फिलिंग भरेंगे, फिलिंग काफी ज्यादा मात्रा में भराएगी। आपको इस तरह से दबा के इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। और ये जो एक्स्ट्रा आटा है ऊपर, इसको आप हल्का सा इस तरह से पतला करके इसे इसी पे पैक कर दीजिए और इसे दबा दीजिए आप अच्छे से। इसे ओवन पे रखेंगे, बिल्कुल सिम गैस पे रखना है आपको। दूसरा तरीका ये कि आप थोड़ा सा इसे बेल लें पहले अच्छे से, आप ये देखिए बिला गया है। अब आप इसे फिलिंग रख के भर लीजिए।
इसे पैक करेंगे। आप थोड़ा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप पहले थोड़ा सा पिज्जा सॉस और अप्लाई कर दें एंड देन फिर फिलिंग भर के इसे बाटी बना लें। अब आप इसे कवर कर लें। आप इस तरह से अच्छे से चुन्नट बांध के इसे कवर कर लीजिए। आप ये देखिए अच्छे से कवर हो गई है। इसे भी थोड़ा सा हाथ से प्रेस करके और पैक करने के लिए रखेंगे। ये कंप्लीटली ओवन में बेक हुई है पिज्जा पार्टी। ये देखिए आप बहुत अच्छे से बेक हो गई है। गर्म है तो थोड़ा ध्यान से बिल्कुल। आप देखिए पूरी पार्टी कितने अच्छे से बेक हो गई है। और एक तरीका मैंने आपको बताया था कि हाफ आप ओवन में बेक कर लें एंड देन फिर कढ़ाई में बेक कर लें आप हल्का सा घी डालकर। देखिए बहुत अच्छे से बेक हो गई है, अच्छी क्रिस्पी। आप इसे इस तरह भी सर्व कर सकते हैं और इसे आप ग्रिल करके भी सर्व कर सकते हैं।